नमस्कार, आप देख रहे हैं C20 न्यूज और मैं हूं बनवारीलाल कुशवाहा। वक्त हो गया है कुछ ताजा तरीन खबरों का। फिरोजाबाद जिले के शुकोहाबाद के इटेसर रोड स्थित मानस सेवा समिति के तत्वाधान में 41वीं वार्षिक श्री राम कथा का शुभारंभ सोमवार को कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। कलश यात्रा में बैंड बाजों की धुन पर निकले भक्त जनों ने शहर की राहों को भक्तिमय कर दिया। श्री मानस सेवा समिति द्वारा मेला वाला बाग स्थित मानस भवन पर श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। 21 सितंबर तक होने वाले इस आयोजन के तहत सोमवार को कलश यात्रा निकाली गई। महिलाओं ने कलश धारण किए। कलश यात्रा का शुभारंभ प्रभु श्री राम की आरती उतार कर किया गया। कलश यात्रा नगर के बड़ा बाजार स्थित रीठरा वाले मंदिर से प्रारंभ होकर पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक का चौराहा, नगर पालिका नाराणा चौराहा, रेलवे स्टेशन रोड, पालीवाल चौराहा होती हुई श्री मानव सेवा समिति सत्संग भवन मेलावाल बाग पहुंची। यहां भगवान श्री राम की आरती उतार कर प्रसाद वितरण किया गया। कलश यात्रा में मुख्य यजमान रामचरित मानस धारण किए हुए थे। मार्ग में जगह जगह पर कलश यात्रा का पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया गया। कलश यात्रा के दौरान गढ़वाने व्यक्तियों द्वारा जलपान के रूप में जगह जगह जूस, पानी, कोल्ड ड्रिंक सहित कई अन्य खाद्य पदार्थ वितरण किए जा रहे थे। कलश यात्रा में राज पचौरी, राम प्रकाश गुप्ता, संजीव अग्रवाल उर्फ लाला, संजीव अग्रवाल, केशव गुप्ता, अमीन सुखवीर सिंह, राम शरण पाल, नंद किशोर अग्रवाल, संजय गुप्ता, राजवीर सिंह, नगर अध्यक्ष विशाल गुप्ता, ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष सुशील यादव, अरुण गुप्ता, श्रीमती रजनी, अतुल गुप्ता, नवीन अग्रवाल, कुलदीप गुप्ता, रजत गुप्ता, प्रिया शेखर अग्रवाल, सीए वरुण सिंघल, सोनी गंभीर, विकास, गगन कटेरिया, मोहित बंसल, सुशील जैन, विकास जैन के अलावा नगर के गणमान्य नागरिक शामिल थे। कथावाचक साध्वी जय प्रिया दीदी बरसाना ने बताया कि कथा रोजाना दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक की जाएगी। राम नाम सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनहारी। श्री मानस सेवा समिति शिकोहाबाद द्वारा 41वीं श्री राम कथा का आज मंगल कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। कलश यात्रा डीठा वाले मंदिर से प्रारंभ होकर और मानस पीठ मेला वाले बाग पर इसका विश्राम हुआ। कलश यात्रा में आज लगभग 151 सौभाग्य की महिलाओं ने कलश में सम्मिलित हुई और कल यानी दिनांक 13 सितंबर से रोज 1 से 5 बजे तक नित्य कथा का कथावाचन भी होगा और कथावाचक सुश्री साध्वी जयप्रिया ये बरसाना धाम से पधारेंगी, जो कि हम सब के मत नित्य 1 से 5 कथा का रसास्वादन कराएंगी। मेरा समस्त भक्तजनों से, सभी संतजनों से, सही धर्मप्रियों से ये विनम्र अनुरोध है कि वो नित्य कथा का श्रवण करें और तन मन धन से अपना श्री मानस सेवा समिति को सहयोग दें। सादर जय श्री राम।